अब देखिए समझ गए, अब क्या हो जाएगा नदियों के नाम, अब क्या हो जाएगा नदियों के नाम, ये नदियों के नाम है ना, नदियों के नाम, नदियों के नाम। अब देखिए नदियों के नाम में क्या होता है, नदियों के नाम में क्या होता है, गंगा गंगा गोदावरी, गंगा गोदावरी है ना, सतलज, ये सब क्या होता है नदियों के नाम। ये बोलियों के नाम हो गया है ना, ये हरियाणवी बोलियों के नाम में क्या होता है, हरियाणवी गढ़वाली राजस्थानी नदियों के नाम, गंगा गोदावरी है ना। अब देखिए शरीर के अंगों का नाम है ना, इसमें क्या होता है शरीर के अंगों का नाम भी लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ने किसी बताया आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें और अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा मुंह है ना, मुंह हो जाएगा आंखें, आंखें ठीक है, आंखें, जीभ, जीभ ये सब आ गए, ये सब शरीर के अंगों के नाम, ये सब अधिक हो गए समझ गए, ये सब हो गए शरीर के अंगों के नाम, ये होते हैं ठीक है, इस तरह का ठीक है। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना सदा, वो क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं, सदा पुल्लिंग होते हैं है ना। जैसे कौआ, जैसे कौआ का क्या होता है, ये सदा पुल्लिंग होते हैं, क्या होते हैं सदा, सदा पुल्लिंग होते हैं, ये सदा पुल्लिंग होते हैं ठीक है, ये सदा पुल्लिंग होते हैं ठीक है, ये सदा पुल्लिंग होते हैं, ये सदा पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा पुल्लिंग होते हैं, वो क्या होते हैं सदा पुल्लिंग होते हैं है ना, सदा पुल्लिंग होते हैं, सदा पुल्लिंग होते हैं है ना, सदा पुल्लिंग होते हैं है ना। जैसे क्या हो जाएगा पकड़ के जाए कौआ है ना, कौआ ठीक है, खटमल, कौआ खटमल है ना, कौआ खटमल, ये तोता, तोता मच्छर है ना, तोता मच्छर क्या हो जाएगा, तोता मच्छर। अब देखिए ये सब जैसे कौआ होता है तो इसका पुल्लिंग, ये सदा पुल्लिंग होते हैं। जैसे कौआ क्या लिखेंगे हम, इसका स्त्रीलिंग क्या बनाएंगे, जब इसको स्त्रीलिंग बनाते हैं तो हम लोग इसमें क्या लगाते हैं मादा, हम लोग क्या लगाते हैं मादा। जैसे अगर ये सब ऐसा पुल्लिंग होते हैं उसमें क्या लगाते हैं ठीक है, ये सदा क्या होते हैं, ये सदा क्या हमेशा क्या होता है, ये पुल्लिंग होते हैं है ना, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसको हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं, स्त्रीलिंग बनाते समय हम क्या लगाते हैं इसके पहले मादा लगाते हैं, जैसे मादा कौआ क्या लगाते हैं इसमें, मादा कौआ है ना, मादा कौआ, कौवी नहीं होता, कौआ का कौवी नहीं होता, इसमें ये सदा पुल्लिंग ही होते हैं कौआ। लेकिन इसको हम लोग स्त्रीलिंग बनाते समय क्या लगाते हैं मादा कौआ। फिर क्या हो जाएगा मादा खटमल, क्या लिखेंगे इसमें मादा खटमल है ना, मादा खटमल, तोता, फिर क्या हो जाएगा मादा तोता, क्या हो जाएगा मादा तोता ठीक है। अच्छा मच्छर, तो क्या हो जाएगा मादा मच्छर, मादा मच्छर है ना, मच्छर मच्छर ठीक है। तो ये जो शब्द होते हैं हमेशा क्या होते हैं, ये सदा पुल्लिंग होते हैं, क्या होते हैं ये सदा पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसको हम लोग जब स्त्रीलिंग बनाते हैं तो इसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं मादा लगाते हैं, क्या लगाते हैं मादा, से कौआ तो क्या हो जाएगा मादा कौआ, खटमल मादा खटमल, तोता मादा तोता, मच्छर मादा मच्छर, इस तरह से। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं है ना, सदा क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं ठीक है। अब देखिए स्त्रीलिंग जो होते हैं इसमें उस शब्द हमेशा क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं ना, सदा वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे क्या होते हैं मैना मछली कोयल है ना, जैसे मैना, मैना मछली, मैना मछली है ना, कोयल, मैना मछली कोयल ठीक है, मैना मछली कोयल ठीक है, ये सब है ना। ये क्या हो जाएगा चील ठीक है, ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, ये सदा स्त्रीलिंग होते हैं, ये क्या होते हैं सदा स्त्रीलिंग होते हैं है ना, स्त्रीलिंग होते हैं। जब इसको हम लोग है ना सदा ये स्त्रीलिंग होते हैं, जब हम लोग इसको पुल्लिंग लिखते हैं मैना, मैना क्या हो जाएगा इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा मैना का, तो जब हम इसको पुल्लिंग बनाते हैं तो इसमें क्या लगाते हैं नर लगाते हैं, जब ये स्त्रीलिंग होता है, ये सदा क्या होता है स्त्रीलिंग होते हैं मैना मछली कोयल चील। अगर जब इसको हम अगर पुल्लिंग में करते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें नर मैना, क्या लगाते हैं इसमें नर मैना है ना, नर मैना। मछली तो क्या हो जाएगा नर मछली, नर मछली, नर मछली। इसमें क्या लगाते हैं कोयल, तो क्या हो जाएगा नर कोयल, नर
कोयल।